हेलो एवरीवन, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले की क्लास में हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 के एग्जांपल्स तक, और अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब और टाइम वेस्ट किए बिना अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। और ये देखिए, पहले ही आपको गिवन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। लेट नंबर ऑफ बॉयज बी 8। इसी तरह नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मान लिए हमने, वाई। ठीक है, हाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है नंबर ऑफ गर्ल्स यानी वाई इक्वल टू बॉयज इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज क्या है एक्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है वाई, तो और वाई क्या है एक्स से 4 ज्यादा है। अब हमें इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज निकालेंगे हम, तो पहले निकालेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू, तो एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई आना चाहिए 10, तो एक्स की वैल्यू 5, वाई की 5, एक्स की वैल्यू 6, वाई की 4, और एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 7। और सेकंड वाली का वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, वाली इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस 4, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो अगर y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू है 1 तो y की कितनी होगी 5, x की है 1 तो y की होगी 6, और x की वैल्यू है मान लो 3 तो y की कितनी होगी 7। अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ। तो देखो, इसमें पहली इक्वेशन कौन सी है, यानी पहली वैल्यू क्या है, x की 5, y की 5, तो x की 5 यानी x 5 और y कहाँ है 5, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी x की 5, y की 5, यानी x की 6, y की 4, x की 6 और y की 4, फिर नेक्स्ट x की 3 और y की
सबसे पहले हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, एक्स की 5, वाई की 5। तो एक्स का 5 यहाँ है और वाई का 5 कहाँ है, एक्स का 5 ये रहा और वाई का 5 यहाँ पर है। एक्स ये कौन सा पॉइंट, एक्स की 5, वाई की 5। फिर नेक्स्ट एक्स की 6 और वाई की 4 ये रहा। फिर नेक्स्ट एक्स की 3 और वाई की 7। तो इन तीनों का क्या है स्ट्रेट लाइन, फिर सेकंड वाली इक्वेशन का अगर आप देखेंगे यानी इसका वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो इसके कौन कौन से पॉइंट हैं, एक्स का 1, वाई का 5, एक्स का 1, वाई का 5। फिर नेक्स्ट एक्स का 2, वाई का 6, एक्स का 2, वाई का 6। फिर एक्स का 3 और वाई का 7 ये वाला पॉइंट। तो इसकी स्ट्रेट लाइन कहाँ जाएगी, तो मेन जहां पर दोनों वैल्यू कट होती है वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और वाई की कितनी है 7। एक्स क्या माना था हमने, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं यानी बॉयज हैं 3 और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं 7। अब देखो 7 3 से 4 ज्यादा है ना, यही तो उसमें क्वेश्चन में कहा था नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट टुगेदर रुपीज 50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ले कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मैंने क्या मान ली, मैंने मान ली रुपीज एक्स। उसी तरह कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या मान ली मैंने, रुपीज वाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7y यानी 7 पेन्स कितने कॉस्ट करते हैं, 50 रुपीज। और सेकंड है 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 पेन यानी 7x प्लस 5y कितना कॉस्ट करता है, 46 रुपीज। अब इस वाली इक्वेशन की वैल्यूज, क्योंकि ग्राफ बनाना है हमें, तो एक्स वाई अगर एक्स की वैल्यू हम 3 लेंगे तो वाई की कितनी होगी, 5, 5 3 जब 15, 15 प्लस 7 5 जब 35, 50।
हैं हम, एक्स की वैल्यू अगर हम टेन लेंगे तो वाई कितना होगा, जीरो। और एक वैल्यू होगी कि अगर फाइव की वैल्यू आप, एक्स की वैल्यू अगर आपने 17 ली तो वाई की हमें क्या लेनी पड़ेगी, माइनस फाइव। अब सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज सेकंड वाली इक्वेशन क्या, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो अगर x की वैल्यू 3 ली तो 7 3 21 और 5 5 25, तो 25 और 21 46। और एक सेकंड इक्वेशन में अगर हम एक्स की वैल्यू 13 लेंगे तो 13 7 91, तो हमें वाई की वैल्यू लेनी पड़ेगी माइनस 9। 91 माइनस 45 कितना होगा, 46। और एक तीसरी वैल्यू अगर हमें लेनी हो एक्स की वैल्यू लेंगे 8 तो वाई की हमें लेनी पड़ेगी माइनस 2। 56 माइनस 10 कितना होगा, 46। अब हमें इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना, देखो पहली वैल्यू हमें कौन सी लेनी है, हमें लेनी है इस वाली वैल्यू से। देखो पहली एक्स की 3 वाई की 5, एक्स की 3 और वाई की, एक्स की 3 और वाई की 5, तो ये कौन सी है, एक्स की 3 वाई की 5, एक्स की 10 वाई की 0, एक्स की 10 वाई की 0 ये वाली वैल्यू, एक्स की 17 वाई की, एक्स की 17 वाई की माइनस 5, तो इसकी स्ट्रेट लाइन क्या आएगी, अब नेक्स्ट इक्वेशन की हमें लेनी है एक्स की 3 वाई की 5 पहली वैल्यू, एक्स की 3 और वाई की कौन सी लेनी है, एक्स की 3 और वाई की 5, फिर है एक्स की 13 और वाई की माइनस 9, एक्स की 13 और वाई की माइनस 9, तो कई जगह कट गया।
एक्स की 13 और वाई की माइनस 9, तो ये वैल्यू यहाँ है। फिर नेक्स्ट एक्स की 8 और वाई की माइनस 2, ये वैल्यू यहाँ है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, यानी नॉर्मल इसका कहाँ कट कर रहे हैं एक दूसरे को, एक्स की 3 और वाई की 5। एक्स क्या माना था हमने, पेंसिल, तो पेंसिल कितने की आई, एक कॉस्ट ऑफ पेंसिल ₹3 और पेन की कॉस्ट क्या है, एक पेन की ₹5।